बात करें अगली खबर की तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही मादक व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कार्यवाही हो रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा पुलिस ने एसजेएस परिसर के पास से 15 ग्राम स्मैक के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 4,50,000 से अधिक बताई जा रही है। वही सिटी सीओ विमल प्रसाद ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हाँ, ये श्रीमान वरिष्ठ प्रशासनिक महोदय के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इसी के तहत कल रात्रि को एसएजे कैंपस के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान दो युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 15 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से ऊपर की है, और उनको गिरफ्तार करके उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।